नोएडा में 9 मई को कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश और 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध हथियार और 10,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने आया था, तभी बदमाश की पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 113 स्थित क्षेत्र के महगुन मदानिया सोसाइटी के पास बीती 9 मई को कलेक्शन एजेंट से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गैंग के मास्टरमाइंड को पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सूचना पर पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है, तभी आरोपी पुलिस को मोटरसाइकिल से आते देख दिखाई दिया। उस बीच पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी की गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बाइक सवार बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महागुन मदारिया सोसाइटी के पास एक बड़ी लूट की गई थी, 6,88,000 रुपए की। एक कलेक्शन एजेंट से कुछ बदमाशों द्वारा टक्कर मार के ये पैसे लूट लिए गए थे। पुलिस टीम इस पे काम कर रही थी और 16 मई को इस टीम के 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिनमें मेहरुद्दीन उर्फ गबरू और मुकुल शर्मा, इन्हें गोली भी लगी थी। 3 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए थे और इनके पास से 3,45,000 रुपये रिकवर किए गए।